दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बनाए जा रहे हैं, जो कि गर्मा गर्म और बड़े तेज़ी से फास्ट पराठे बनाए जा रहे हैं और साथ में पूड़ी भी बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है गर्मा गर्म पूड़ी, जो कि पूड़ी भाजी के लिए पूड़ी के साथ में भाजी दिया जाता है। इसी तरीके से गर्मा गर्म पूड़ी बनते रहती है, लोग आते रहते हैं और खाते हैं। ये हो गई तैयार, 2 मिनट के अंदर में पूड़ी बनके तैयार, यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भुर्जी है और कीमा है, जो तवे के ऊपर में गर्मा गर्म फ्राई करके दिया जाता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा भुर्जी कीमे के अलावा, यहाँ का पुलाव है, चावल है, यहाँ पे राइस है। और अभी सुबह का टाइम है, हम लोग आए हैं नाश्ते के लिए, लेकिन दोपहर में बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि चिकन आइटम, मटन आइटम और फिश आइटम, सभी आपको दोपहर में। अभी हम आ रहे हैं उस्ताद के पास में, देखो खाना ही पका हुआ है। हाँ, कौन पका रहा है खाना, बहुत टेस्टी खाना है। ये क्या, यहाँ पे आलू कट रहा है, देखिए यहाँ पे आलू की भाजी बनेगी, उनका खाना पक रहा है। आप क्या करते हो? मैं उस्ताद हूँ। अच्छा, ये आप उस्ताद हो, यानी कि आप ही सब बनाते हो यहाँ का। तो यहाँ के खाने का जो टेस्टी है उसका राज क्या है? मैं जानता हूँ, बताने का नहीं। हाँ, मतलब मसाले यहाँ के बाहर के इस्तेमाल होते हैं कि आप कुछ फूड पीस के बनाते हो? कुछ मसाले अंदर रहते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, बाजार से आते हैं, और बनाने का जो ट्रिक है उसमें टेस्ट बढ़ जाता है, यानी कि आपके हाथ के अंदर में जायका है। ओके, हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमीर और अभी हम आए हैं उमर होटल में, और यहाँ का सुबह सुबह नाश्ता है पूरी भाजी और कीमा। तो हम ट्राई करेंगे यहाँ का पूरी भाजी और कीमा, तो चलो देखते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ की पूरी भाजी और कीमा। देखो पूरी भाजी है जो कि 25 रुपए की एक प्लेट है, और इस प्लेट के अंदर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी भी आए, हमारे को 7 पूरी है, वो भी हैवी पूरी है, एकदम फर्स्ट क्लास देखने के अंदर पूरी तली हुई, और साथ में भी आया है आलू की सब्जी। ये देखिए यहाँ पे आलू है, इसके अंदर में मखाना इसके अंदर में है, और इसके अंदर में बहुत सारे मसाले नजर आ रहे हैं, और इसके साथ में भी है यहाँ पे हमें हलवा, जो कि स्वीट के लिए पूरी के साथ में थोड़ा सा हलवा देते हैं, स्वीट के लिए यहाँ पे हलवा दिया है ये पूरी भाजी, और साथ में हमने लिया है ये कीमा है, पूरी भाजी है, और ये पराठा है। चलो ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सबीर और अभी हम आए हैं प्राइवेट मार्केट में, और प्राइवेट मार्केट में नाश्ता करने के लिए हम बैठे हैं उमर होटल में, जो कि प्राइवेट मार्केट के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे हम 2 आइटम टेस्ट करने वाले थे, 2 आइटम यहाँ पे हम जायका लेंगे, टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे उसका जायका नहीं मिलता है। 2 में से सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे यहाँ की पूरी भाजी, जो कि गर्मा गर्म पूरी भाजी है, और भाजी के साथ में यहाँ पे हमको दिया है वो भी आपको बताएंगे उसका रेट। और दूसरा आइटम है यहाँ पे जो हम ट्राई करने वाले हैं, वो है यहाँ का कीमा। कीमा जो है यहाँ पे सुबह कीमा, पूरी भाजी और पराठा, ये यहाँ का बहुत ही फेमस आइटम है। तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे यहाँ की पूरी भाजी, और यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे यहाँ का कीमा, और यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे यहाँ का पराठा। तो चलो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, हम टेस्ट करते हैं यहाँ की पूरी भाजी। तो ये हमारे पास में पूरी भाजी आ गई है, 25 रुपये की पूरी भाजी है, और इसमें आप देख सकते हो कम से कम 7 पूरी दिया गया, 25 रुपये में 7 पूरी है, साथ में यहाँ पे आलू की भाजी है, और उसके साथ में यहाँ पे है हलवा। हम ट्राई करते हैं यहाँ पे पूरी भाजी सबसे पहले, और आपको बताएंगे इसका जायका, आपको बताएंगे इसका टेस्ट। ये हमने एक फर्स्ट बाइट लेते हैं पूरी की, और इसके साथ में ये आलू की सब्जी है, पूरी के साथ में ये आलू की सब्जी लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ट्राई किया यहाँ का पूरी भाजी,
जो पूरी भाजी थी के अंदर में बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी था, उसके अंदर में विप थी और थोड़ा सा मुझे भूखा भी लग गया। लेकिन अभी हम यहाँ का ट्राई करने वाले थे कीमा और पराठा। तो पहले हमने पूरी भाजी ट्राई किया, खाने में टेस्टी उठा आ गया, लेकिन अभी ये पराठा है और इसको हम ट्राई करते हैं। कीमे को ट्राई करेंगे पराठे के साथ में, पूरी को हमने ट्राई किया था भाजी के साथ में, बस ट्राई कर लेते हैं कीमे का यहाँ पे और टेस्ट। कीमा है इसके अंदर में बताना है टमाटर और कुछ स्पाइसी गर्म मसाला खाए, ठीक ठाक है। काला प्याज इसके अंदर में ज़्यादा नजर आएगा, खाने के अंदर में ये भी थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा तेज है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, हर आदमी खा सकता है। और तो कीमा जो है खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मजे है। तो दोस्तों आप भी यहाँ पे जब कभी आते हैं ट्राई करते हैं, मुझे बताना कमेंट में कि यहाँ का खाना आपको कैसा लगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। फिर मिलेंगे एक नए जायके के साथ, नए टेस्ट के साथ। डाटा बाय।